जीगॉर्ड की गलती निकालते हो जो कि बहुत ही गलत चीज है एंड ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए एंड और फिर टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर भी रिप्लाई दिस मो पर क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो दूसरी टीम से डर नहीं लगता साहब जिगॉर्ड के प्लेइंग फोर में देखकर अरे ऐसा कुछ नहीं है देखो तुम लोग ना एक बात बोलता हूं जिगॉर्ड को तुम लोग बहुत ज्यादा भाई हर एक चीज़ में उसकी गलती निकालते हो और वो चीज़ सही नहीं है समझ रहे वो प्लेयर बहुत अच्छा है तुम लोग अगर उसको सपोर्ट करोगे ना इस टाइम पे जिस टाइम पे वो गंदा खेल रहा है मैं मानता तो मानते थोड़ा गंदा खेल रहा खेलो टीम में अभी बहुत सारी चीज़ों को नीचे चल रही है लेकिन यही टाइम है जब तुम अपने प्लेयर को सपोर्ट करोगे इस टाइम पर सपोर्ट करो वो प्लेयर बहुत अच्छा खेलेगा मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की ठीक है तो उसको कुछ भी जाकर मत बोला करो अगर तुमको टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है सीधे जाकर मेरे को भरो ठीक है मेरे को भरो जितना भरना है उतना भरो कोई दिक्कत नहीं है पर किसी भी प्लेयर को जाकर बोलोगे

गुलडा आई थिंक यू हैव टू थिंट ओनली फोर प्लेयर इन इट वी देखिए ऐसा है मैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि टीम को उनके भरोसे छोड़ दिया था एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ क्या हो गया अभी हमने ऑफकोर्स थक जाता था मॉनिटर करने तो था, में तो बट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था बीच में इंटरफरेंस था तो हम जाते हैं दोबारा से जीरो इंटरफेरेंस करके रखते दिख हैं फिगर आउट uh, we'll another... कुछ ना कुछ फिग आउट करेंगे भाई रहेगा मेरे पे निकलेगा नहीं खेलेगा खे अभी आ रहे है रहे वो खुद ही जवाब देगा एंड इस आप अभी रहे हैं। बी एमपीएस में क्वालिफाई होने के लिए बहुत सारे ऑर्स ने ऐसे प्लेयर को उठाया जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस चीज को मेजी भी रिप्लाई दिया था एंड बोला था कि ये गलत है। आज एक, एक एक्स के यूजर ने भी बोला की अगर आप कोई दूसरे स्पोर्ट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते फॉर अ टूर्नामेंट तो क्या फिर आप दूसरी क्वालिफाइड टीम के प्लेयर्स को उठाकर क्वालिफाई हो सकते हो ऑब्वियसली इंडिया में हर एक बड़े और यही कर रही है एंड फिर यही लोग खुद को कंपेयर करते क्रिकेट फुटबॉल एंड फॉर ऑर्क सिडबाई ने भी रिप्लाई दिया और बोला की क्रिकेट एंड फुटबॉल भी

अब स्लॉट स्टॉट क्या करना होगा अपने तीन बंदों को खिलाना पड़ेगा और कुछ नीचे जिन पर स्लॉट नहीं तो वो लोग साथ में गठबंधन करते करें कि तीन प्लेयर तुम्हारे हो गए तीन पे हमारे हो गए छह प्लेयर्स की एक टीम रजिस्टर कर लेंगे अब हम आपस में खेल पाएंगे मिला प्लेयर्स के को so, को दिस इज हाउ जो स्लॉट नहीं था। लास्ट तक उनको स्लॉट मिला ताकि वो भी खेल पाए ग्लोबल की जगह गॉडल होती तो सब अभी पॉलिटिक्स 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 कुछ नहीं है uh, दिस इज वेरी नॉर्मल सब करते हैं भाई कि अब एक टीम है जिसमें तीन बंदे हैं बट दे नीड दिन क्योंकि यू नो डिवाइस एंड डिंग इज इंपॉर्टेंट और एक टीम है जिनका सब कुछ स्लॉट नहीं है गठबंधन कहता कि दोनों का फायदा हो तो होता कोई पॉलिटिक्स नहीं है

मैक्सपाक वाला इज नॉट दैट हार्ड क्योंकि उसमें बस हाइड्रा है थोड़ा जिनका पता है ब्लाइंड वाला भी थोड़ा okay। तो सा मुझे हार्ड लगा गॉड्स वाला इज ओके बाकी सब तो सही है नॉर्मल सर गोल्ड के ग्रुप उतना हार्ड क्यों दिया <laughs> अरे मैंने देखा नहीं ग्रुप इसी बात की रूबेट में मैंने वन पावर है न्यूमन है गॉड उतना हार्ड नहीं लगा मुझे गॉल्ड के ग्रुप कमेटेवली टू भी उतना हार्ड तो नहीं है यार मतलब ठीक है

बहुत ही बढ़िया बंदा है बंदे यार रियल लाइफ में और गेम के अंदर भी ठीक है बहुत अच्छे हैं यार जितने भी लोग हैं ना मतलब गॉड लाइक में भाई अमर भाई से लेकर कॉन्टेंट भाई से लेकर अपना जॉनी गॉड नियो निक्सन जितने भी बंदे मतलब मेरे को मिले भाई सब बहुत बढ़िया है मजाक सर के तू तो गॉड लाइक में आया अभी हम दोनों तो आए हैं समझ रहे है? <laughs> साले जो ऑलरेडी थे उनकी बात हो रही है हम दोनों तो आए हैं समझ रहे लेकिन यार मजाक सर के बोल रहा हूँ मतलब ये सारे सारे बंदे ना बहुत बढ़िया है यार लोगों को पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं नया हूँ भाई मेरे को पता है सारे बंदे बहुत बढ़िया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कोई किसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालता सब लोगों को पता है उनका काम क्या है और अच्छे से सारी सारी चीज़ें होती है तो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मेरे को इधर की

यार आज तुम लोग थे वहाँ पे चैट सेक्शन के अंदर जो हाइड्रा टीम को सपोर्ट मिल रहा था लाइक आई वाज देयर मैं चैट में हूँ मैं मॉडू क्राफ्ट क्राफ्टन चैनल का एंड जब भी मेरे को टाइम मिल रहा था मैं आ रहा था चैट देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या पढ़ा जा रहा है इट वाज ऑल अबाउट हाइड्रा हाइड्रा का ड्रैगन देन मुझे कोई बता रहा था कि पेड स्पैम हो रहा है वहाँ पे बोट्स का स्पैम हो रहा है तो मैंने ना एक चीज़ करी मैंने वहाँ पे लिखा कि प्रेस वन फॉर हाइड्रा अगर बोट स्पैम होता है ना तो वो वन नहीं टाइप करता वो बोट अपना ही टाइप करता रहता बट जो वन की लड़िया लगी उसके बाद हाँ जो वन की लड़िया लगी है उसके बाद

दिस में रोटेशन वो गुड फाइट्स वो गुड बट बस नहीं हो पाया ठीक है ये इसको रिकॉर्ड करके रख लो क्योंकि तो तो अगर मेजी ने प्रोडिक्ट कर दिया तो फिर यही आगे काम आएगा यही आगे काम आने वाला है एंड इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय